हेलो वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे भारत। आप सभी प्यारे दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज है 18 नवंबर 2024, दिन सोमवार, मंडे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति, रेमंड वीकली क्विज के सही आंसर, जो हर सप्ताह सोमवार के दिन ही पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन भी प्रेस करें, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स द्वारा अपनी राय भी अवश्य दें वीडियो के बारे में। और आप हमारे साथ आज रात 9 बजे भी लाइव जुड़ सकते हैं KBC प्ले अलोंग क्विज का सुपर फास्ट लाइव राइट आंसर पाने के लिए। जिन्होंने आज के डेली ऑफलाइन क्विज नहीं खेला हो, हमारे चैनल में वीडियो अपलोड हो चुकी है, वीडियो देखकर आंसर नोट करके खेल लेंगे और अतिरिक्त 500 पॉइंट जीत सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं रेमंड वीकली क्विज के सही आंसर। पहला सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कार्य के लिए प्रसिद्ध है जो कढ़ाई की एक पारंपरिक कला है। लखनऊ ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, लखनऊ ऑप्शन डी सही जवाब हो चुका है। रेमंड वीकली क्विज का ये पहला सवाल था, पहले का ऑप्शन डी। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है रेमंड वीकली क्विज का, मधुमक्खी की कितनी आँखें होती हैं। 5 आँखें होती है, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, सही जवाब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो चुका है दूसरे का, ऑप्शन सी। तीसरा सवाल, पारंपरिक भारतीय व्यायाम ध्यान और श्वास तकनीकों की प्रणाली क्या कहलाती है। योग, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, योग तीसरे का ऑप्शन बी सही जवाब हो चुका है। रेमंड वीकली क्विज का चौथा सवाल पूछा जा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करने वाली गैसों की परत क्या कहलाती है। वायुमंडल, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, वायुमंडल सही जवाब ऑप्शन डी करेक्ट जवाब, सही जवाब हो चुका है। रेमंड वीकली क्विज का पांचवा सवाल, भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में किस काल को वर्णित किया गया है। गुप्त, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, गुप्त ऑप्शन बी, पांचवे का ऑप्शन बी सही जवाब। रेमंड वीकली क्विज का छठा सवाल पूछा जा रहा है, BTS में कितने सदस्य हैं। 7 सदस्य हैं, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, छठवे का ऑप्शन डी सही जवाब, छठवे का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो चुका है। सातवां सवाल पूछा जा रहा है रेमंड वीकली क्विज का, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन है। MS सुब्बुलक्ष्मी के साथ जाएंगे, MS सुब्बुलक्ष्मी ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, सही जवाब ऑप्शन है, सही जवाब हो गया है। आठवां सवाल पूछा जा रहा है, कनाडा की राजधानी क्या है। ओटावा के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, कनाडा की राजधानी ओटावा है, ऑप्शन सी सही जवाब। रेमंड वीकली क्विज का नौवां सवाल पूछा जा रहा है, क्लासिकल लोक नृत्य जैसे नौटंकी और रासलीला किस राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी के साथ ही जाएंगे, नवे का ऑप्शन सी सही जवाब, नवे का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो चुका है। आज का 10वां फाइनल क्वेश्चन रेमंड वीकली क्विज का, एक आधुनिक मानक आकार के पियानो में कितनी कुंजियां होती हैं। 88 के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, दसवें का ऑप्शन सी सही जवाब। ये थे हमारे रेमंड वीकली क्विज के सही आंसर। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।